गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर फोर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिस चैप्टर इज आल्सो रिलेटेड विद द चैप्टर नंबर थर्ड अब देखिए चैप्टर के नाम पे पहले हम फोकस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन कौन सी आ रही है हमारे पास लीनियर जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में करवाया था इक्वेशन में वन इज द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है हमारे पास वन डिग्री क्या होगी हमारे पास वन जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी ज द लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारी वन हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बीवाई प्लस डी दैक्टल क्योंकि वेरिएबल की अगर पावर वन होगी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन अब देखिये यहाँ तक तो क्लियर हो गया लीनियर इक्वेशन एज दट इक्वेशन वेर इज द डिग्री इज वन बट नेक्स्ट इज द टू वेरिएबल अब बट वेरिएबल कितने चलेंगे हमारे पास टू वेरिएबल वेरिएबल मीन्स एक्स वाई वाई जेड कुछ भी देख सकते हो आप वहां पे दिस इज द लीनर इक्वेशन वन वेरिएबल क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक्स चल रहा है बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल क्योंकि यहां पे वेरिएबल हमारा एक्स भी है और वेरिएबल हमारा वाई भी है आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हो आपको अब चलिए नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन यहाँ पे उसने टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है लीनियर इक्वेशन द वन वेरिएबल अब वन वेरिएबल में क्या बोला है? कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस वी इक्वल टू जीरो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए एंड वी आर द रियल नंबर देखिए यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल हमारा एक है दैट इज एक्स और वी क्या हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने बोला एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस दैट इज इक्वल टू जीरो ऑल दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बट नेक्स्ट इज देयर लीनियर इक्वीशन द टू वेरिएबल इक्वेशन सेम रहेगी सॉरी वेरिएबल ऑफ जो वेरिएबल की डिग्री okay? like. okay? डी है वो वन होगी वट वेरिएबल हमारे पास टू आ जाएंगे टू वेरिएबल है वन इज द एक्स सेकंड इज द वाई ओके वेयर ए एंड वी आर द रियल नंबर एंड ए वी आर नॉट अ जीरो फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस सेवन दट इज इक्वल टू जीरो ऑल दिस टर्म लाइक दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज देयर वेरी सिंपल द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज टाइज द कॉस्ट ऑफ पेन जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से कितनी है टवाइस है हमें नहीं पता कि पेन की कोस्ट कितनी है या नोटबुक की कितनी है राय लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल अब हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल में अब देखिए दो वेरिएबल के लिए हमारे पास कितनी थिंग्स है यहाँ पे टू वन इज द नोटबुक एंड सेकंड इज द पेन अगर हम नोटबुक को एक्स लें और इसको वाई बोल लें हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोट बुक हमें रूपीज एक्स है कॉस्ट एक ऑफ पेन हमारे बोल दिया की बुबाई है बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन सो एक्स इज इक्वल टू टू बाय सो एक्स माइनस टू बाई दट इज इक्वल टू जीरो क्लियर नेक्स्ट उसने बोला है एक्सप्रेस द दोल्विंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म अब इस फॉर्म में हमारे पास है हमने यहाँ पे इंडिकेट वैल्यू ए एवी एंड सी हमें ये क्वेश्चन दे रखी है हमने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है द फर्स्ट मेन इम्पोर्टेंट इज द अब देखिए क्वेश्चन में देखिए जो सी है दैट इज अ अंस्टेंट उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसने हमें दे रखा है ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री वाई बट इक्वल टू दिस वन है इक्वल टू दिस वन है अब देखिए सबसे पहले हमें नाइन प्वाइंट थ्री फाइव इस साइड लाना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए ओके okay? ये हमारे पास हो गया ए इक्वल टू टू वी इक्वल टू थ्री जब सी हमारा इस साइड है तो साइन किसका हो गया ये हमारा नेगेटिव का तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई टू बी की थ्री और सी की कितनी आ गई माइनस थ्री पॉइंट थ्री फाइव वार नाइन प्वाइंट थ्री फाइव वार ओके ऑल दी क्वेश्चन आर सेम ऐसे ही करने अपने सारे क्वेश्चन अगर किसी को कोई डाउट होगा सो डायरेक्टली कंसर्न विद मी ओके एंड सेकंड क्वेश्चन इज द होमवर्क फॉर यू